मेरे साथ में भी यहाँ राहुल आर्य जी हरिद्वारी आज आ गए थे, ये भी YouTube के ऊपर इनके भी लाखों की संख्या में फॉलोवर्स फॉलोवर्स हैं। हैं कितने डेढ़ फॉलोवर्स मिलियन, हैं? 1.5 मिलियन से ज्यादा। 1.5 मिलियन से ज्यादा हैं। और भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, एक खास बात मैंने भी इनके कई कम से कम मतलब 40-50 से भी ज्यादा जो है वो देखे हैं इनके जो वीडियोज हैं। और सैकड़ों की संख्या में इन्होंने शायद हजारों की संख्या में वीडियो डाले जो भारतीय संस्कृति पर लोग आक्रमण करते हैं कि राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, ब्रह्मा ने अपने बेटी के साथ बलात्कार किया, और तमाम हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे सांस्कृतिक का मूल्यों के बारे में जो अनर्गल बातें करते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक धरातल पर उनका उत्तर देते हैं। तो भाई राहुल आर्य जी यहाँ पर हैं और इनके सब मित्र लोग हैं, एक पूरी टोली है इनकी राष्ट्रवादियों की, और सब हमारी वैदिक और सनातन आर्य हिंदू परंपरा के जो हमारे प्राणभूत तत्व हैं, उन सार्वभौमिकता, वैज्ञानिकता, उन सब तत्वों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो राहुल आर्य जी को तो यहाँ क्योंकि मेरे पास ही है इसलिए इनको अंत में अवसर देंगे। हम लोग कवर कर चुके हैं स्वामी जी, जितने लोग हैं प्रेजेंट। ठीक ठीक, ठीक तो आपके वहां ऑफिस में बैठे हैं राहुल आर्य जी वगैरह, उनको छोड़ के जो अभी कवर और लोग। हाँ, और मैं अभी अंत में, राहुल जी इधर आ जाओ, एक मिनट। ये राहुल जो है ये ऐसा युवा है जो धर्म के बारे में जो बहुत खराब खराब भ्रांतियां फैला रखे, तो इसने हजारों पुस्तकें करके धर्म का जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसके ऊपर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और जबरदस्त वीडियो बनाए हैं, खास करके जो वामपंथी और मुसलमान और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें उनके खिलाफ, धर्म अध्यात्म और संस्कृति से। तो 2 मिनट अपनी बात रखो राहुल। स्वामी जी महाराज को सर्वप्रथम प्रणाम। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ और उनके साथ बैठकर थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। वैसे तो मैं कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, हजारों लोगों के कार्यक्रमों में लोग आमंत्रित करते हैं, अधिक आयु नहीं है, लेकिन स्वामी जी के साथ बैठकर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। और कभी प्रयास भी नहीं किया क्योंकि हमें पता है स्वामी जी का जो समय आप सबको भी मिल रहा है, हम सबको भी, बहुत बड़ी बात है। उनका एक एक जो क्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां तक मेरा मानना है। वैसे तो स्वामी जी यात्रा, मैं बचपन से ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे भाई राकेश मित्र जी को पता है, सबसे पहले सोशल मीडिया की टीम थी वो, हमारे भ्राता जी के साथ उन्होंने काम किया था। तो उसके बाद मैंने 13-14 वर्ष की आयु से स्वामी जी आपका जो देखा, भारतीय संस्कृति का उत्थान, उस पर जो आपके वीडियो आते थे, महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ जुड़े, आपने सत्यार्थ प्रकाश आदि का भी वर्णन कई बार किया है, तो उन सब विचारों से, इतिहास से जुड़ करके और भारतीय जो शिक्षा पद्धति है जिस पर आपने बोर्ड भी बनवा दिया है आपकी कृपा से, वो भी काम हो गया है, तो उसके द्वारा ही ये सब कार्य हमने प्रारंभ किया था और वो आगे भी बढ़ा है। इसमें स्वामी जी आज के समय पर अगर प्रत्यक्ष मेरे साथ देखिए, या थैंक्स भारत मैंने चैनल प्रारंभ किया था उसके साथ है, और राहुल आर्य मेरा व्यक्तिगत चैनल भी है, तो 1.5 मिलियन के आसपास तो यूट्यूब पे होंगे, और फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने थैंक्स भारत फैन पेज, राहुल आर्य फैन पेज, ऐसे स्वामी जी काफी सारे, कई मिलियन अच्छा जुड़ गए, किया। और वो आपसे ही जुड़े हुए हैं मूल रूप से अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मेरे विचार आप सबके कारण ही है, महर्षि दयानंद सरस्वती के कारण ही है। तो आपके बोलने के बाद और आपके यहाँ बैठने के कारण मैं अधिक बोलने का मेरा यहाँ पर कोई औचित्य बनता नहीं है स्वामी जी, तो आप। बहुत अच्छे युवा हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, और एक जुनून के साथ कि फिर से हमारी वैदिक संस्कृति की, ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा हो, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी बस इसी संकल्प के साथ, आप सबने इतना वक्त दिया, ये पहले दौर की एक बात हुई। काफी दिनों से मैं कह रहा था भाई शांतनु जी से, राकेश जी से, इस संवाद को आगे बढ़ाएं, तो फिर दोबारा मिलते रहेंगे। और आप भाई हमारे नवीन जी, नवीन जो जी प्रवीण जी, प्रवीण जी बहुत प्रामाणिकता से अपने YouTube और Facebook, Twitter सब अकाउंट्स में, हमारे बहुत बड़ी ऊर्जा है सोशल मीडिया की टीम की, हमारी बहुत बड़ी ताकत है वो, तो उनको, प्रवीण जी को भी स्वामी और जी, प्रणाम प्रदीप जी प्रणाम स्वामी जी, हाँ प्रणाम प्रणाम। अब प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप हाँ जी, प्रदीप जी भी प्रणाम कर लेंगे एक बार हैं। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।
हाँ प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रदीप जी भी बहुत बहुत आशीर्वाद। शांतनु जी अब आप समापन आप कर दो। जी जी, मुझे तो खुद चर्चा को सुनने में ज्यादा मजा आ रहा था और मैं करने का काम था, किसकी बात हो गई, राकेश जी से मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा था। इस आत्मीय संवाद के लिए मैं एक बार सभी का पुनः हृदय से कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करता हूँ, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से एक बार आप सबको पुनः प्रणाम, और आज के कार्यक्रम को यही विश्राम देते, फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम को विराम देते।